बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम जैसा कि यहाँ पर हमने शो की है इससे पहले की वीडियो में कि सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी बाय रिवाइज सिंपलेक्स मेथड, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स एक्स वन प्लस टू एक्स टू ग्रेटर इक्वल टू सेवन, फोर एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर इक्वल टू सिक्स एंड एक्स वन कॉमा एक्स टू ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग जानते हैं कि ये रिवाइज सिंपलेक्स मैथड का स्टैंडर्ड फार्म सेकेंड है और इसको टू फेज़ में सॉल्व किया जाता है। तो हमने फर्स्ट फेज़ में इसको सॉल्व किया था। सबसे पहले तो यहाँ पर आर्टिफिशियल चूँकि ग्रेटर देन के साइन थे इसलिए यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल को माइनस करना था और आर्टिफिशियल वेरिएबल को यहाँ पर ऐड करना था। तो ये तो हमने डिटेल में बता रखा है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यानी कि वीडियो हमारा जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसके सामने जो इस तरीके का एक साइन आ रहा होगा उस पर आप टच करेंगे, जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता रहे हैं। और वहाँ से आप एक लिंक दे रखा होगा जिसको टच करेंगे तो ये वीडियो आपका डिटेल में जो फेज़ फर्स्ट है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर हम सेकंड फेज़ की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेकंड फेज़ जो होती है फर्स्ट फेज़ का जो लास्ट होता है उससे हमको मिलता है। और फर्स्ट फेज़ का लास्ट देखिएगा ये होगा और इसमें हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी होंगे यहाँ पर उनको हमें रिमूव करना है, हटा देना है और उनकी जो कॉस्ट है वो ज़ीरो कर देना है। और यहाँ पर जो जेड ए नज़र आ रहा है जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसके लिए इसको हटाने के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को यहाँ से बिल्कुल हम हटा देंगे। और इस मैट्रिक्स है B2 इसका नोटेशन भी चेंज होगा यानी बेसिस चेंज हो जाएगा, इसको B1 इनवर्स लिखेंगे और जहाँ पर भी आर्टिफिशियल वाली बात आती है उसको वहाँ से हम रिमूव कर देंगे पूरी तरीके से जैसे कि अभी हमने बोला। और अगला टेबल यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, तो इस टेबल को बनाने के लिए हमको लिखना होगा वेरिएबल इन द बेसिस। तो बेसिस में कौन से वेरिएबल होंगे तो आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर जेड एस चल रहा था अपना और जो जेड ए था उसको मैं बिल्कुल हटा देना है। जब बिल्कुल ये यहाँ से हट जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी इसकी कॉस्ट जो भी वो ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर हो जाएगी तब हम इसको यहाँ से तो जेड डैश जो कि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड है तो उसको हमें लिखना है, बाकी सबको यानी आर्टिफिशियल को हटाना है। और यहाँ पर पहले से जो मौजूद है एक्स टू एक्स वन उसको भी एज इट लिख दिया जाएगा, ये बेसिस में है एक्स टू और एक्स वन। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैट्रिक्स थी यानी B1 इनवर्स हो जाएगी और E1 यहाँ पर वन लिखा जाएगा, अभी तक टू लिखते आ रहे थे। और ये अल्फ़ा टू इसमें भी यहाँ पर वन लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा वन ये भी टू लिखा जाएगा, सॉरी वन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आर्टिफिशियल वाला था उस कॉलम को हमने देखा हटा दिया है, E1 ही लिखा है E2 को नहीं लिखा है। और उसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर लिखा जाता है सॉल्यूशन बिल्कुल वही लिखा जाएगा जो बात हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। आपको मालूम है बस ये हमें रो जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल से रिलेटेड है उसको हम यहाँ से हटाना होगा और बाकी जो है उसको लिखना होगा ऐसे ही, यानी हमने बोला कि लास्ट वाले टेबल का सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटाने के बाद जो भी हमको दिखाई पड़ रहा है उन सारे एलिमेंट्स को हमको यहाँ पर लिखना है। तो वन
minus 3 by 7 minus 1 by 7 and x2 में है 0 0 रो x2 के सामने जो रो है उसको हम लिखेंगे. ये वाला 0 नहीं लिखना है क्योंकि e2 में आ रहा है यानी सेकंड कॉलम में आ रहा है तो उसके बाद का एलिमेंट था 4 by 7 तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा माइनस 1 by 7 और यहाँ पर भी हमें लिखना था माइनस का 27 by 7 और ये भी 22 upon 7. अब x1 के सामने पिछली टेबल में आप देख लीजिएगा जो रो है उसको लिखेंगे और ध्यान रहे कि यहाँ पर सेकंड रो का जो एलिमेंट जीरो है इसको नहीं लिखना है माइनस 1 by 7 लिखना है और 2 by 7 और बाकी ये 5 by 7 ये इतना लिखने के बाद ये आपका अब उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से आप इस रिवाइज सिंपलेस मेथड में जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर फर्स्ट होती है जिस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पर भी सॉल्व करना होगा. जैसे कि पहले लिखा जा चुका है बताया जा चुका है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को पूरी तरीके से हम यहाँ पर अब भूल जाएंगे तो अब समझेंगे कि हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल है एक्स वन एक्स टू और जो भी सिलेक्ट वेरिएबल है एक्स थ्री और एक्स फोर उनका ही यहाँ पर रोल है. ये तो ज़ीरो हो गया इनकी कॉस्ट ज़ीरो हो गई आर्टिफिशियल को हटा देना है इनको समझना ही नहीं ये है यहाँ पर. तो अब x1 x2 तो बेसिस में आ रहा है x1 x2 जो बेसिस में हमारा यहाँ पर मिल रहा है तो फिर हमें x3 और x4 को देखना सॉरी हाँ x3 और x4 को देखना होगा यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो नेट एवेल्यूएशन है उस वैल्यू को फाइंड करना होगा यानी हमको फाइंड करना होगा डेल्टा थ्री की वैल्यू और डेल्टा फोर की वैल्यू. और उसके लिए फार्मूला जैसे कि पहले बताया कि बिल्कुल वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड फॉर फर्स्ट में यूज़ किया था यानी हम लिखते थे फर्स्ट रो ऑफ बी वन इनवर्स और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा अल्फ़ा थ्री का और अल्फ़ा फोर का और इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट रो वी वन की तो वी वन इनवर्स की वैल्यू हमारी ये है वन माइनस थ्री बाई सेवन एंड माइनस वन बाई सेवन तो इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा यानी वन माइनस थ्री बाई सेवन और माइनस वन बाई सेवन और कॉलम में ये अल्फ़ा थ्री और अल्फ़ा फोर की जो वैल्यू है वो यहाँ से देख के हम लोग लिख सकते हैं जो शुरू में हमें पास था. बस ध्यान रहे कि शुरू में हम लोगों ने लिखा होगा कि जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको हमें यहाँ से हटा देना होगा यानी हम बात कर रहे थे अल्फ़ा थ्री और अल्फ़ा फोर की वैल्यू तो ये जो कि आपको मालूम है करस्पॉन्डिंग टू जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो इसे नहीं लिखना होगा. ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो लिखेंगे और ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन लिखेंगे तो इसको ही लिखना होगा क्योंकि सेकंड रो और सेकंड कॉलम जो है वो रिलेटेड है आपका आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन से तो उसे नहीं लिखना होगा. तो अभी एलिमेंट बताया हमने ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन इसको ही हमें लिखना होगा बीच में है माइनस वन और सबसे लास्ट में है माइनस वन इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन. इसके बाद यहाँ पर रो वाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना होता है जो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं. यहाँ पर एक रो आ रहा है एक रो है तो एक ही रो आएगा यानी कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम इनटू करेंगे इधर से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर से नीचे बढ़ेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्लस करते जाएंगे तो वन इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो हो गया. माइनस थ्री बाई टू का इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा थ्री बाई सेवन और इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये वैल्यू आ गई प्लस का ज़ीरो. फिर इसका इंटू इसमें करेंगे यानी सेकंड फर्स्ट रो में लिखना है और सेकंड कॉलम में लिखना है तो ये शुरू में तो दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो लिख देंगे इसका इंटू यहाँ होगा तो प्लस का वन बाई सेवन लेकिन ऑलरेडी माइनस का बाहर लगा हुआ है और ये वैल्यू जो चल रही है वो डेल्टा थ्री डेल्टा फोर की वैल्यू चल रही है और माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का थ्री बाई सेवन और माइनस का वन बाई सेवन इसकी वैल्यू
आ जाएगी। डेल्टा की जो वैल्यू हमें अभी मिली हैं, यानी डेल्टा थ्री की वैल्यू को अगर हम अलग करके दिखाएं तो माइनस का 3/7 है, और डेल्टा फोर की वैल्यू को देखें तो -1/7 है। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से कम हैं, यानी हम कह सकते हैं कि आल डेल्टा जे लेस देन टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो से कम होते हैं तो हम लोग जानते हैं ये जो सॉल्यूशन हमको मिला है, ये लास्ट में जो सॉल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमल होगा, इसलिए कह सकते हैं सो दिस सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमल है, हैंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा क्या, हैंस दी, तो उसमें फिर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो इस तरीके से दिया जाएगा, यानी एक्स वन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, हम देख रहे हैं कि एक्स वन की जो वैल्यू होगी वो 5/7 के इक्वल होगी, और एक्स टू की वैल्यू 22/7 के इक्वल होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स वन की वैल्यू 5/7 आई है और एक्स टू की वैल्यू है 22/7, और यहीं से हम अपना जो शुरू में दे रखा था फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो अब कैसा भी हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वो उसी फार्म में आ जाएगा, क्योंकि मिनिमा की फार्म में है, और ये था मिनिमम z1 + z2। तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू को ऐड करना होगा और हमें मिल जाएगा मिनिमम z। तो मिनिमम z था x1 + x2 था, और एक्स वन की वैल्यू 5/7 आई है और एक्स टू की वैल्यू 22/7 आई है, 7 LCM हो जाएगा और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 27/7 आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम जेड की वैल्यू आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वो आखिर दावाना अलहमदिल्ला रबी आलम।